रायपुर में हॉस्टल की छत से गिरकर 6 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने बच्चे का मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले को लेकर पुलिस ने स्कूल संचालक से पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार हॉस्टल की छत पर घटना के दौरान तकरीबन 40 से ज्यादा बच्चे सो रहे थे। वहीं उनमें से एक बच्चा छत के नीचे जमीन पर गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला। 2 दिन पहले बहुत ज्यादा बिल्डिंग में जहाँ सोते थे वहाँ पर गर्मी होने के कारण छत में बच्चे को, जो स्कूल के जो प्रिंसिपल है और जो वहाँ के रहने वाले 2-3 और लोग हैं, उनके द्वारा सुलाया गया था और साथ में ये लोग भी सोए थे। इसी दौरान लगभग सुबह 5 बजे के आसपास जो प्रिंसिपल है वो नीचे आ गई थी और बाद में ये घटना हो गया जिसमें सो रहे एक जो बच्चा, जो लगभग 6 साल का बच्चा था, प्रफुल्ल नाम का, वो छत से गिर करके नीचे उसका मृत्यु हो गया था। और जिसकी सूचना मिलने पर उन लोग जा करके देखे और वहाँ पर उसको हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसके जो परिजन है उसके द्वारा थाना में सूचना दिया गया, जहाँ थाना में मौके में जा करके थाना प्रभारी द्वारा घटना स्थल का और लोगों का मुआयना किया गया। इस प्रकार से प्रथम दृष्टया घटना स्थल को देखने पर जो बाउंड्री है लगभग 4 फीट का है, उसमें बच्चा जो 6 साल का है वो कैसे चढ़ा, कैसे गिरा, इस संबंध में भी बारीकी से जाँच कर रहे हैं।